अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू साइंस लेक्चर नंबर 10. वी हैव स्टार्टेड आवर यूनिट नंबर 2, दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. टुडे वी विल डिस्कस एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया. इट इज पार्ट नंबर 2, विच इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 26 एंड 27 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. प्रीवियस पेज पे जो है लेक्चर पे हमने बैक्टीरिया जो है, जो हमारे पास एक किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमने डिस्कस किया हुआ था. बैक्टीरिया है क्या और जो है उसकी शेप्स क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. अब आते हैं उसकी फ़ायदों की तरफ कि बैक्टीरिया जो है, तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो जरासीम हैं वो नुकसानदेह नहीं है, कुछ इसमें जो है फ़ायदेमंद भी है, जो हमारी बॉडी को और हमारे मुख्तलिफ कामों में हम ये उसको यूज़ करते हैं. तो क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे. एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया आर, दे कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट. कन्वर्ट, तब्दील करना मिल्क को जो है वो योगर्ट, दही को कहते हैं मास्ता. तो ये हमारे पास जो है मिल्क को दही में जो है वो तब्दील करती है, चेंज करती है, और ये इसी बैक्टीरिया की वजह से जो है वो पॉसिबल होता है कि ये मिल्क को दही में जो है वो कन्वर्ट करती है योगर्ट को. इसमें जो फिर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करती है. अच्छा, दे नेक्स्ट हमारे पास है, दे कन्वर्ट शुगर सिरप इनटू अल्कोहल. अल्कोहल शराब को कहते हैं. तो शुगर सिरप, हमारे पास चीनी की जो शरबत होती है, यहाँ पर ये मुराद नहीं है. यहाँ पर हमारे पास, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो ग्रेप्स का जो शरबत होता है या उसमें जो लिक्विड होता है, उसी ग्रेप्स की लिक्विड को ये अल्कोहल में जो है कन्वर्ट करती है, और उसी ग्रेप से जो है असल में अल्कोहल शराब वगैरह जो है फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो है इसका यूज़ है, और यहाँ पर भी जो है इससे अल्कोहल शराब वगैरह जो है बनाया जाता है. सम बैक्टीरिया हेल्प इन बेकिंग. बेकिंग, ये जो केक्स वगैरह होती है या रोटी जैसा या डब ब्रेड वगैरह जो होती है, ये हमारे पास जो है बेकिंग वगैरह में भी जो है बहुत ज़्यादा है बैक्टीरिया जो है वो हेल्पफुल होता है, मतलब कन्वर्ट करता है उसको. दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग पिकल्स. अचार वगैरह, पिकल अचार को कहते हैं. तो अचार में भी जो है वो ये बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो ये वो बैक्टीरियाज वगैरह है जो मुफीद है, और जो हम जो है वो उसको खुराक में, हमारी फूड में जो है उसका यूज़ है. बैक्टीरिया आर द मेन डिकम्पोजर्स एंड द इकोसिस्टम. डिकम्पोजर, डी मीन कंपोज, मिक्स करने को कहते हैं. तो इकोसिस्टम से जो गंदगी वगैरह रिमूव करना है उसको हम डिकम्पोजिंग कहते हैं. हमारी माहौल से, चाहे पानी में है तो पानी में भी हमारे पास अगर बैक्टीरिया मौजूद है तो उसमें भी ये, अगर जहरीली कोई जरासीम वगैरह है, कुछ और चीज़ें हैं, या एनिमल्स अगर मर जाते हैं या प्लांट्स, तो उसको ये जो है वो डिकम्पोज मिक्स कर लेता है और वो उसको खा लेता है ये बैक्टीरियाज. तो हमारी इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जो है, चाहे वो लैंड इकोसिस्टम है चाहे वो वाटर है, तो उसको ये जो है वो बचाता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. एंड मेक द सॉइल फर्टाइल. अब अगर सॉइल में जो है ये किसी गन वगैरह को खा लेता है, या उसको मिक्स कर लेता है, या बिल्कुल ख़त्म कर लेता है, डिकम्पोज मीन ख़त्म कर लेता है, फिनिश कर लेता है, तो वो सॉइल को फर्टाइल मीन खेज करता है. तो सॉइल में जाहिर सी बात है प्लांट्स फिर ग्रोथ करते हैं, तो ये सॉइल जो उसके लिए न्यूट्रिशनल होता है, और वो उसमें अच्छे से फिर प्लांट्स उसमें ग्रोथ कर सकते हैं. अगर जरखेज़ हो, ज़मीन जरखेज़ हो, सॉइल हमारे पास फर्टाइल हो, तो ये हमारे पास जो है वो फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. आते हैं अपनी डिसएडवांटेजेस की तरफ, के अब जो है नुकसानात भी है बैक्टीरिया का. तो इन ह्यूमन बीइंग दे कॉज ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एक्सेट्रा. ह्यूमन बीइंग में जो है हमारे पास इंसानों में ये बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी पैदा करते हैं. सबसे पहले जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस का पूरा नाम है, टीबी का बीमारी, ये लंग्स इन्फेक्शन होता है, बीमारी होती है, और ये बैक्टीरिया की जैसी होती है. निमोनिया जो है, निमोनिया का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी हमारे पास लंग्स को जो है, हमारे फेफड़ों को मुतासिर करती है. कॉलरा, ये भी हमारे पास जो गंदी फूड वगैरह है और उसमें ये जरासीम जो है जल्दी से ग्रो कर जाती है, तो कॉलरा भी उसकी वजह से होती है, जो पेट वगैरह की बीमारियाँ होती है. टाइफाइड का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, टाइफाइड जो मियादी तब जिसे कहते हैं. डायसेंट्री, ये दस्त वगैरह जिसे कहते हैं, पेट की बीमारी, जो बार बार रनी पेट होता है हमारे पास, और बार
बार बार इंसान वॉशरूम अटेंड करता है तो वो दस्त वगैरह जिसे कहते हैं, तो डाइसेंट्री ये ह्यूमंस में इसी बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारियाँ फैलती है। अब हार्मफुल बैक्टीरिया स्पॉयल और फूड, कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया जो है स्पॉयल ख़राब करने को कहते हैं कि हमारे खुराक को भी ये स्पॉयल करते हैं, स्पेशली या आजकल के मौसम में जो बहुत ज़्यादा जून जुलाई का के जो मंथ्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है और इसमें ये बैक्टीरिया जो है हर एक फूड पर अटैक करता है और जल्दी से उसको ख़राब कर लेता है। स्प्लिट मिल्क जो मिल्क का आजकल जो बहुत ज़्यादा जो है बहुत दूध जल्दी से ख़राब हो जाता है तो वो स्प्लिट मिल्क उसको कहते हैं एंड काज मेनी डिजीज एंड प्लांट्स लाइक ब्लाइट सिट्रस कैंकर एंड क्राउन गल। अब प्लांट्स में भी जो है ये बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो बनाती है। अब ब्लाइट जो हमारे पास है ये ब्लाइट ये जो आप लोगों को बड़ा सा डॉट ब्लैकिश का नज़र आ रहा है इसको ब्लाइट कहते हैं, तो ये टोमेटोज़ वगैरह वेजिटेबल्स में ये बीमारी जो है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से, अगर कोई बैक्टीरिया इस वेजिटेबल या इस तरह की वेजिटेबल्स पे अटैक करते हैं तो फिर ये उसको ख़राब कर लेती है और उसको हम ब्लाइट कहते हैं। सिट्रस कैंकर, सिट्रस फ्रूट जितने भी कीनो या लेमन वगैरह या ऑरेंजेस है उसको सिट्रस जो कड़वी फ्रूट्स है उसको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं और सिट्रस कैंकर हमारे पास ये जो ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का कर देता है लेमन्स को, लेमन्स को भी आप लोगों ने देखा होगा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में हम उसको वैसे बगैर रेफ्रिजरेटर रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है और वो इसी बैक्टीरिया की वजह से जिसको सिट्रस कैंकर कहते हैं। क्राउन गाल भी हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स और इस पर जो है वो अफेक्ट करती है। यहाँ पर आप लोगों को हॉर्स दिखाई दे रहा है जो इसी बैक्टीरिया की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। ह्यूमंस का माउथ भी जो है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से अफेक्ट होता है, तो मुख्तलिफ बीमारियाँ है इस बैक्टीरिया की वजह से जो ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी जो है वो इसकी वजह से होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर, होप यू अंडरस्टैंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।